यहाँ क्यों अकेली खड़ी हो? जाओ ना, जाकर सोनाक्षी के पास बैठो ना। फिर से कोई देखेगा तो अननेसेसरी सवाल पूछेंगे, इसलिए मैं अकेली ही ठीक। जब तक मैं हूँ तब तक मेरी बेटी कभी नहीं अकेली रहेगी, समझी? गोपी, निका विवांशी कहाँ है? माँ जी अभी भी तैयार ही हो रही है। मोदी परिवार की हिम्मत की पर दाद देनी पड़ेगी। आज साबित हो गया, आप लोगों को ना तो कोई शर्म है ना ही किसी के मान मर्यादा की परवाह। मेरे भतीजियों के प्रस्ताव को रिजेक्ट करने के बाद मैंने ये तय कर लिया था कि मैं आप लोगों के घर में एक कदम भी नहीं रखूंगी। लेकिन किसी की भावनाओं के साथ खेलने के बाद आप लोग अपना सिर ऊंचा कर कर जी कैसे लेते हैं? तेरी भतीजियों का ना खोपड़ा देखा है मैंने, कोई लाली बिंदी लगाने से खूबसूरत नहीं हो जाती। और वैसे भी मेरा हीरो जैसा साहिब तेरी वो मेकअप की दुकान जैसी भतीजियों को क्यों पसंद करेगा? हाँ, प्लीज चुप रहो। सविता आंटी, हम समझ सकते हैं ये जो कुछ भी हुआ है उससे आपको बहुत दुख पहुंचा है, पर जरा ये भी तो सोच कर देखिए कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ ना, कि शादी से पहले ही हमें ये पता चल गया कि दोनों किसी और से प्यार करता है, वरना सोचिए तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाती। तू तो रहने दे गोपी दिकरा। अरे मुझे पता था कि इस घर में दो बड़े जवान बेटे रहते हैं, फिर भी आप लोगों ने एक जवान लड़की को अपने घर में रखा, वो भी जाहिल और गवार। तेरी तो सुना तो फिर तो ये सब होना ही था ना। बस करो हमें सविता बहन, आप हमारे घर में मेहमान बन के आई और सोना हमारे परिवार की बहू, उसके खिलाफ बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं। सविता आंटी शांत हो जाइए और जो हुआ उसे भूल जाइए। गोपी देख रहा, तू तो बड़ी चालाक निकली। तुझे क्या लगा मुझे ये मालूम नहीं है कि तेरी माँ इस लड़की को यहाँ पे लेके आई है? क्या प्लानिंग की है माँ बेटी ने मिलकर? चुप। कैसे हुई मेरी गोपी बहू के साथ इस तरह से बात करने की? सत्कार समारोह में मेहमान बनकर आई है, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और चले जाइए चुपचाप अपने घर। समझी गया कि पची समझाओ? देखते आप लोग ना इन्हें भूल जाइए, इनकी तो पुरानी आदत है मोदी परिवार की खुशियों में तमाशा खड़ा करने की। इसलिए ये जो सत्कार समारोह का मैंने आयोजन किया है उसका आनंद उठाइए। कानों सुनी बात पर यकीन नहीं हुआ, आंखों देखी को कैसे नजरअंदाज कर सकती हूं मैं? कोकिला वाह वाह भाई वाह, तू तो सच में सुधर गई है। ये कहां से आ गई? माफी जी, रुक जाइए, माँ जी ने खुद इन्हें बुलाया है। शुभ बात छे कोकिला, मुझे तो लगा कि ये तेरे पोते ने भाग के शादी कर ली, तो गुस्सा हो गई होगी, और गुस्सा होने के बदले तूने तो इतना बड़ा रिसेशन दे दिया। मान गई, तू सचमुच बदल गई है। दूधो नाओ पुतो फलो। अरे सूर्यवंशी परिवार की तरफ से तमने बनने ने लगन नी खूब खूब बधाई। हमारा सूर्यवंशी परिवार और मोदी परिवार एक दूसरे के करीब आ गया है तो फूल नहीं तो फूलनी पाखड़ी। मेरा मतलब है कि बड़ा तोहफा नहीं तो एक छोटा सा तोहफा तो बनता ही है। सूर्यवंशी परिवार की तरफ से हीरो का हार तो किस सोना के लिए गौराणी ने तो फूल की पंखड़ी नहीं पूरा गुलदस्ता ही दे दिया। कोयली मजा आ गई। जो क्या साड़ी भेजी है तूने, एकदम सेम टू सेम। अब तू थोड़ी सी मोटी लग रही है। ये सब क्या हो रहा है? पैदा होने के बाद किसी के हाथों सर के बल गिरा था क्या? यार जब देखो माथा गरम रहता है तेरा। तेरे सारे सवालों के जवाब तू मुझसे नहीं अपनी माँ से पूछ, क्योंकि उसी ने न्योता भेजा है। मम्मी ये सब क्या है? क्या इनको इनवाइट करना जरूरी था? थोड़ी देर में तुम सबको पता चल जाएगा कि मैंने गौरा को यहाँ क्यों बुलाया है। गौरा, मिलना बिछड़ना जीवन का नियम है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बिछड़कर भी मिलते हैं। तुमने बहुत गलतियां की। तुमने धोखे से मेरी पोती मीरा को अपने घर की बहू बनाया, अहम को जान से मारने का प्रयास किया, मुझे भी जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन दुश्मन क्या मारेगा जहां स्वयं ईश्वर उनके दोस्त हो। यह भी अवश्य कहूंगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तुमने 100 गलतियां की है, लेकिन मेरे परिवार वालों ने भी एक गलती की और उसी एक गलती की मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहती हूं। सखी गौरा, मैंने आज तुम्हें यहाँ आने का निमंत्रण इसलिए दिया क्योंकि मेरे परिवार द्वारा तुम पर, तुम्हारे पुत्र धर्म पर जो अन्याय किया है उसके लिए सबके सामने मैं तुमसे क्षमा मांग सकूं। मैंने परिवार वालों को समझाया, मना किया, विरोध किया कि मीरा जो भी कह रही है गलत है, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मेरी गोपी बहू गलत थी, अहम दिकरा गलत था, जिगर दिकरा गलत था, मोटा भाभी गलत थी, सब गलत थे। लेकिन निसंकोच होकर मैं तुमसे यह कहती हूं कि सबसे बड़ी गुनहगार मीरा है। मीरा ने बहुत गलत किया तुम्हारे पुत्र धर्म के साथ। हाँ, ये इसकी गलती है कि इसने धर्म कुमार को अपने मोह जाल में फांसने का प्रयास किया। खेल रचा और खेल खेल में इसने तुम्हारे पुत्र पर गलत इल्जाम लगाया। उसे जेल भिजवाया और तुम्हारे पुत्र को बदनामी झेलनी पड़ी। नहीं माँ जी, ये गलत है, मीरा ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो शांत। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है, इसलिए कोई भी बीच में नहीं बोलेगा और ना ही मुझे टोकेगा। गौरा, मैं कोकिला मोदी, इस मोदी परिवार की मुखिया, मुख्य प्रतिनिधि होने के नाते अपने परिवार द्वारा जो तुम पर अन्याय हुआ है, जो गलती की है उन्होंने, उसके लिए सबके समक्ष हाथ जोड़कर नतमस्तक घुटनों के बल बैठकर तुमसे क्षमा मांगती हूँ। जी, माँ जी, अभी ये क्या करें? उठ जाइए प्लीज। रुक जाओ। आज मेरे और मेरे सखी के बीच कोई नहीं आएगा। गौरा, अपने परिवार द्वारा किए गए अन्याय के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। तुम्हें सचमुच अपने किए पे पछतावा है? हाँ गौरा, बहुत लड़ाई लड़ ली, बहुत कहा सुनी हो गई और अब मुझ में वार करने की ना ही इच्छा शेष है और ना ही शक्ति। गौरा, हम दोनों सखियां तो थी लेकिन अब समधन बन गई हैं। क्यों ना दुश्मनी भुलाकर दोस्त बनकर इन सारी खुशियों को एक साथ मिलकर मनाएं। कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। अब तू हाथ जोड़ के नतमस्तक होके यहाँ तक कि मेरे चरणों में गिर गई तो मैं तेरा प्रस्ताव कैसे ठुकरा सकता? अब सारी कड़वाहटें, सारे झगड़े शिकवे, सब कुछ भूल के हमारे रिश्ते को समझदारी से सोचते। आओ। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।